आज हम पितृ पक्ष के लिए खीर बना रहे हैं। आधा लीटर दूध ले रही हूँ, उसको मैं स्लो फ्लेम पे करने के लिए रखती हूँ। 2/3 कप चावल लिए हैं मैंने, 10 मिनट पहले चावल भिगाए थे उसको मैं ले रही हूँ। इसको हम अपने हाथों से मसल लेते हैं, क्योंकि टुकड़े चावल सभी क्या नहीं रहते हैं। इसको अच्छी तरह से मैं धो के इस पानी को हम फेंक देते हैं। ये अच्छी तरह से साफ हो गया है। मैं एक चुटकी जितना घी उसमें मिक्स करके दूध में डाल देते हैं। चावल में घी मिला के डालने से इसकी सुगंध अच्छी आती है। अब इसको हम गाढ़ा होने तक पकाते हैं। इसे हमें कंटिन्यू चलाना है। इतना गाढ़ा हो गया है, अब हम आधे लीटर में 1/4 कप शुगर, केसर को पानी में घोल दिया है, इसको भी हम डाल देते हैं। शक्कर मिक्स होने तक हम चलाते हैं। 3 इलायची को छील के डाल देते हैं। आधे सूखे मेवे को हमने डाला है, आधा गार्निश के लिए रखेंगे। मोस्ट बन के तैयार है। मैं गैस बंद करूँगी। ऐसे होनी चाहिए गाढ़ी। हम बादाम पिस्ता के कतरन डालते हैं। श्राद्ध स्पेशल खीर बन के तैयार है।